Mumbai Properties Updates Weekly. Kindly subscribe West Coast Realty and press bell icon. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और अब बारी है शो में दिखाए जाने वाले प्रोजेक्ट की। आज हम जो प्रोजेक्ट आपको दिखाने वाले हैं वो बन रहा है मलाड में और इसे बना रहे हैं रीडेवलपमेंट में शानदार काम करने वाले डेवलपर ओमकार रियल्टर्स। ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है ब्लिस कलेक्शन। असल में ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये ओमकार के प्रोजेक्ट अल्टा मोंटे का एक हिस्सा है जिसे ब्लिस कलेक्शन का नाम दिया गया है। इस पूरे ब्लिस कलेक्शन में स्पेस प्लानिंग काफी अच्छी की गई है, तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये प्रोजेक्ट किस तरह का है। आज हम बात कर रहे हैं ओमकार ग्रुप के प्रोजेक्ट ओमकार अल्टा मोंटे के ब्लिस कलेक्शन की। ये प्रोजेक्ट बन रहा है मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब मलाड ईस्ट में। मुंबई का पश्चिम सबर्ब मलाड कई मामलों में काफी बेहतर है, मसलन कनेक्टिविटी की बात की जाए तो लोकल ट्रेन हो या फिर रोड नेटवर्क, ये हिस्सा मुंबई के दूसरे सबर्ब से काफी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, आरे फिल्म सिटी हो या फिर लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मलाड कई मामलों में काफी बेहतर है। यही कुछ वजह है जिनके चलते मलाड एक शानदार प्रॉपर्टी मार्केट बन चुका है। ये अपने आप में एक यूनिक लोकेशन है। एक तो इसकी खासियत ये है कि पीछे नेशनल पार्क है जिसकी वजह से ये ग्रीनरी और इको फ्रेंडली एक जोन क्रिएट हो गया है। सेकेंड थिंग, हाईवे कनेक्टिविटी की होने की वजह से आजू बाजू के सराउंड में मॉल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, मार्केट्स डेवलप हो गए, तो ये लोकेशन ईस्ट का जो लोकेशन है ये बहुत अच्छा डेवलप हुआ है और आने वाले समय में इसकी ऑलवेज डिमांड रहेगी। असल में ब्लिस कलेक्शन ओमकार ग्रुप के प्रोजेक्ट अल्टा मोंटे का ही हिस्सा है जिसमें 80 से ज्यादा फ्लैट शामिल हैं। ब्लिस कलेक्शन को जाने इससे पहले जान लेते हैं ओमकार ग्रुप के बारे में। दो हजार तीन में शुरू हुए ओमकार रियल्टर्स ने रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में एक अलग ही मुकाम कायम किया है। बीते डेढ़ दशक में कंपनी ने करीब 40 लाख वर्क फीट के प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, 2 करोड़ वर्क फीट के प्रोजेक्ट पर कंपनी काम कर रही है और करीब 4 करोड़ स्क्वायर फीट के प्रोजेक्ट प्लानिंग के फेज में हैं। मलाड में ठीक वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मौजूद अल्टा मोंटे एक एसआरए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसे करीब 5 एकड़ में बनाया जा रहा है। पूरे प्रोजेक्ट में कुल 4 टावर्स हैं जिन्हें 45 से 55 मंजिल तक बनाया जा रहा है। इन टावर्स में 2 से लेकर 5 बेडरूम तक अलग अलग साइज में करीब 1450 घर बनाए जाने हैं। हमने जब ये टावर डिजाइन किया था तो इसमें है ना, बिकॉज ऑफ विंड प्रेशर और बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक रेसिस्टेंस हम रखते हैं, टेक केयर करते हैं, तो इसमें स्टील डिजाइन हम लोग बहुत टेक केयर करते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि स्टील की जो खपत होती है इस बिल्डिंग में नॉर्मल बिल्डिंग से इसमें 5-6% की इंक्रीज हो जाती है, जिससे एक तो विंड का जो प्रेशर है वो इस बिल्डिंग को सालों साल तक इसको कोई आंच ना आवे। सेकेंड थिंग, कहीं पे भी कोई भी भूकंप आवे एक लेवल तक ये बिल्डिंग सस्टेन कर सके। अल्टा मोंटे के टावर बी को कंपनी ब्लिस कलेक्शन के लिमिटेड एडिशन के तौर पर पेश कर रही है। इस टावर में 3 और 4 बेडरूम के फ्लैट हैं, जिनका एरिया 830 स्क्वायर फीट से लेकर 1320 स्क्वायर फीट के बीच है। कंपनी का दावा है कि ब्लिस कलेक्शन बाकी के फ्लैटों के मुकाबले ज्यादा स्पेशियस है। इनके लेआउट को जीरो वेस्टेज की प्लानिंग के तहत तैयार किया जा रहा है। ब्लिस कलेक्शन के फ्लैट की स्पेस का अंदाजा आप इस शो फ्लैट को देखकर लगा सकते हैं।
ये ब्लिस कलेक्शन जो है, ये हमने 3 बेडरूम एंड 4 बेडरूम लॉन्च किया है, जिसकी स्क्वायर फुट जो है 850 स्क्वायर फुट से लेके 950 तक 3 बेडरूम है एंड 1300 से लेके 1400 तक 4 बेडरूम है। ये जो स्क्वायर फुट है ये 3 एंड 4 BHK अपने आप में यूनिक है, ये कहीं पे भी आजू बाजू सराउंड में इसे ये स्क्वायर फुट के 3 एंड 4 BHK नहीं मिलेंगे। इस प्रोजेक्ट में ढेरों आउटडोर इंडोर एमिनिटीज भी दी गई हैं, मसलन काफी बड़ा क्लब हाउस, कवर्ड स्विमिंग पूल, एलिवेटेड जॉगिंग ट्रैक, किड्स प्ले एरिया और पोडियम लेवल लैंडस्केप गार्डन। जिसमें इस प्रोजेक्ट में कम से कम 35 से 40 एमिनिटीज इनबिल्ट है, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, कस्टमर के गेस्ट के लिए गेस्ट हाउसेस हैं और जिमनेशियम है, 50,000 स्क्वायर फुट का तो जिम है इसके अंदर। तो इसके अंदर ये फुल्ली लोडेड एक एमिनिटीज के साथ ये पूरा प्रोजेक्ट है। ब्लिस कलेक्शन के फ्लैटों की कीमत की बात की जाए तो यहाँ 3 बेडरूम घरों की शुरुआत होती है 2,14,00,000 से और जाती है करीब 3,16,00,000 तक। इन कीमतों के अलावा टैक्स अलग से देने होंगे। ২০১২ में शुरू हुए अल्टा मोंटे में 2 टावर तैयार हो चुके हैं जिनमें लोग रह भी रहे हैं। बाकी के 2 टावर्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं जो कि महाराष्ट्र रेरा में रजिस्टर्ड भी हैं। लिस्ट जो टावर है ये हमने 2018 में शुरू किया है और अगले 1.5 से 2 साल में हम इसको पोजीशन दे रहे हैं। To get Mumbai properties updates weekly, kindly subscribe West Coast Realty and press bell icon.